कोलकाता शहर की हिंदू बाहुल्य कॉलोनी भरतिया कॉलोनी में एक मुस्लिम द्वारा मकान खरीद लिए जाने और उसमें कथित तौर से नमाज पढ़े जाने को लेकर हंगामा मच गया। नई मंडी की भरतिया कॉलोनी हिंदू कॉलोनी है, यहाँ किसी मुस्लिम का कोई आवास नहीं है। ऐसे में एक बैंक से निकलकर एक मुस्लिम युवक ने कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि उस मकान में कथित तौर पर नमाज पढ़ी जा रही थी। पुलिस के साथ हिंदू संगठन के लोग जब वहां पहुंचे तो वहां कई संगठनों के कार्यालय चलते नजर आए और घर के अंदर बहुत सारे कमरे बनाए जा रहे थे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस भवन में मदरसा बनाए जाने की योजना है, यहां बाकायदा नमाज भी पढ़ी जाती है। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया है। भवन मुस्लिम समुदाय से खाली नहीं कराया गया तो इस कॉलोनी के हिंदू ही पलायन करके चले जाएंगे। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और हंगामा जारी है। शुक्रवार था, हमारे कुछ शिव सैनिक यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने सूचना दी कि कल यहाँ कम से कम भी 50-60 लोग ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें से उतर के जा रहे और नमाज पढ़ी गई, उस चीज का हम विरोध करते हैं। और किसी भी प्रकार अगर कहीं पे भी एक मुस्लिम हिंदू बस्ती में आता है, आप उसका प्रमाण देख लो, रामपुरम खाली होगी, एक मुस्लिम ने लिया था, अम्बा बिहार खाली होली वहाँ भी एक ही मकान लिया था, योगिंदरपुरी खाली होली वहाँ भी एक मकान लिया था। भाई ये मकान हम बर्दाश्त से बाहर है, हिंदू कितने भी रह लो, आवाम हिंद बहुत बड़ा मैन होगा, ये फंडिंग हो रही जिस पुकरम पाल के नाम बताया जा रहा उस पे इतना पैसा नहीं है, ये बाहर से विदेश से फंडिंग है कि हिंदू मोहल्ले में जाओ वहाँ बसो और वहाँ के मकान लैंड जहाज वो बढ़ावा जा रहा। अभी पीछे इंदिरापुरम में भी इंदिरा कॉलोनी में हुआ था, वो वापिस करवाया गया। हम कहते हैं प्रशासन से कि इस व्यक्ति को यहाँ से बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाए वरना गंभीर परिणाम भुगते जाएंगे। बताओ क्या हुआ, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे?